तो दोस्तों, अगर आप घर पे नहीं तो दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि सीसीटीवी कैमरा बहुत कॉस्टली होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का जो फुल सेट है उसका दाम 30,000-35,000 ऐसा होता है, लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये वाला देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा का फुल सेट मैंने मंगवाया है अमेजन से सिर्फ 6,500 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों, 6,500 रुपीज़ में मुझे मिला है सीसीटीवी कैमरा का फुल सेट। इसमें डीवीआर है, हार्ड डिस्क है, कैमरा है, वायर्स है, एसएमपीएस है, सभी कुछ जो चाहिए सभी कुछ है इसमें, और दाम सिर्फ 6,500 और वो भी अमेजन से। तो आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो आप भी अगर ये लेना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, इसको खरीदिए। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज। तो चलिए अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये फुल सेटअप है। तो ये वाला हो गया डीवीआर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ये हो गया डीवीआर। उसके बाद देखिए केबल्स दिया हुआ है, दो कैमरा मिला है, ये दो आउटडोर कैमरा है। उसके बाद ये हो गया पावर सप्लाई, सीसीटीवी, एसएमपीएस। उसके बाद ये देखिए हार्ड डिस्क, 500 GB का हार्ड डिस्क मिला है साथ में, जो यूजुअली नहीं मिलता है। एक्चुअली इसी के वजह से सीसीटीवीज़ का दाम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क का दाम ही 4,000-5,000 ऐसा होता है। ये देखिए 500 GB का हार्ड डिस्क है, सीगेट कंपनी का है। तो हार्ड डिस्क मिल गया। उसके बाद ये वाला हो गया बीएनसी कनेक्टर, 4 BNC कनेक्टर मिला है। उसके बाद 2 पावर कनेक्टर मिला है। और उसके बाद ये हो गया केबल्स मिला है, देखिए कितना लंबा केबल्स साथ में मिला है। और उसके बाद ये हो गया इनवॉइस। तो इनवॉइस पे आप दाम देख सकते हैं, ये देखिए 6,530 रुपीज। देखिए फुल कॉम्बो सेट है और दाम है 6,530 रुपीज। तो आप भी ये ले सकते हैं, तो इसको अभी ऑर्डर कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं टोटल 8 चीज मिला है। ये हो गया डीवीआर, 2 कैमरा, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, केबल्स और कनेक्टर्स। तो अभी चलिए कैमरा को खोलते हैं। तो देखिए सील है, कैमरा एकदम सील है, ये देखिए पूरा सील है। तो इसको खोलेंगे अभी। तो ये देखिए, ये हो गया सीपी प्लस का आउटडोर कैमरा, ये देखिए एकदम प्रोफेशनल आउटडोर कैमरा है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रूज मिला है साथ में। तो ऐसा 2 कैमरा है, ये देखिए दूसरा कैमरा। तो ये देखिए 2 कैमरा है सीपी प्लस का। ये जो कैमराज है ये 2.4 मेगापिक्सल का कैमराज है, और ये दोनों कैमरा ही नाइट विजन कैमरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं IR लाइट्स है, और इन कैमराज में यहाँ पे स्क्रू लगाने का ऑप्शन है, और जो स्क्रू है साथ में दिया हुआ है। तो कैमरा हो गया। तो अभी खोलेंगे DVR को। तो ये हो गया DVR, यहाँ पे यूजर मैनुअल मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे चीज मिला है DVR के अंदर। तो यहाँ पे एक माउस मिला है, ये देखिए एक USB माउस है, ये DVR में जाएगा। उसके बाद ये हो गया हार्ड डिस्क लगाने का केबल्स, ये हो गया SATA केबल, ये पावर केबल, यहाँ पे स्क्रूज है, और ये हो गया एक पावर अडाप्टर DVR को पावर देने के लिए। तो अभी निकालेंगे DVR को। तो ये देखिए DVR, तो ये देखिए DVR है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 चैनल है, 4 कैमरा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे USB पोर्ट्स है, यहाँ पे LAN पोर्ट है, यहाँ पे पावर पोर्ट है, और यहाँ पे HDMI आउटपुट भी है, VGA आउटपुट भी है। यहाँ पे आप मॉनिटर को डायरेक्ट लगा सकते हैं, और यहाँ HDMI से आप TV भी लगा सकते हैं, आजकल का जो LCD TV है उसको लगा सकते हैं। ये देखिए CP प्लस लिखा हुआ है। तो अभी इसके अंदर इस हार्ड डिस्क को लगाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। तो ये हो गया DVR, उसके बाद ये हो गया CCTV SMPS, इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हो गया SMPS, और यहाँ पे ये केबल दिया हुआ है, ये डायरेक्टली 220 वोल्ट सॉकेट में जाएगा, और ये वाला इसमें लगेगा, और उसके बाद यहाँ से पावर वगैरह जाएगा कैमराज में। तो सभी चीज़ें मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो हार्ड डिस्क को भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए हो गया हार्ड डिस्क। तो ये सब चीज़ें मुझे मिला है। तो इसमें मॉनिटर नहीं है, आपका अगर पुराना मॉनिटर है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं तो आपका अगर LCD TV है, नहीं तो स्मार्ट TV है, तो उसमें भी लग जाएगा। और ऐसा जो कैमरा है, एक कैमरा का दाम है 1,000 रुपीज, तो मैंने अलग से 2 कैमरा परचेस किया है। ये जो DVR है ये 4 कैमरा सपोर्ट करता है। तो अभी बारी है DVR में हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना। तो DVR को खोलेंगे। तो ये देखिए DVR को खोल लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं है अंदर पे। अभी हार्ड डिस्क को लगाना है ऐसे, और जो केबल है ये 2 केबल लगेगा। तो हार्ड डिस्क पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला हो गया SATA इनपुट, ये ब्लू वाला यहाँ पे जाएगा ऐसे करके। ये जो स्टील का सीज है वो ऊपर रहेगा। उसके बाद ये हो गया पावर, पावर का ऐसे लगेगा, देखिए लग गया है दोनों। तो हार्ड डिस्क जो है वो ऐसे लगेगा, और उसको लगाने का स्क्रूज साथ में दिया हुआ है। तो देखिए लग गया है हार्ड डिस्क। तो इसका जो अभी ये पावर केबल है ये जाएगा यहाँ पे, ये देखिए चला गया है। और ये जो SATA केबल है वो जाएगा इसमें।
तो देखिए चला गया है और कुछ नहीं करना है DVR में, अब इसको बंद करना है। तो अभी जो वायर्स मिले थे साथ में उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो वायर है उसको काटने से 4 केबल मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक येलो, ब्लैक, रेड और एक मोटा वायर है, तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा वायर कहाँ पे जाएगा। तो ये जो पीला वायर है उसका ज़रूरत नहीं है, ये ऑडियो के लिए है। तो ये हो गया रेड एंड ब्लैक, तो ये है पावर केबल। एक्चुअली ये रेड हो गया प्लस, ब्लैक हो गया माइनस, और जो ये मोटा वायर है ये है वीडियो के लिए। इसके अंदर भी दो वायर है, देखिए दूसरे साइड का मैं दिखा देता हूँ। ये जो मोटा वायर है उसको छिलने से अंदर पे दो वायर निकला, तो ये रेड वाला हो गया प्लस, ये वाला हो गया माइनस। तो यहाँ पे जो वीडियो है वहाँ पे जाएगा BNC, ये वाला है BNC। यहाँ पे भी एक रेड है एक व्हाइट है, तो जो रेड है तो यहाँ पे जाएगा और जो व्हाइट है वो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद पावर के लिए जो मिला था साथ में ये वाला, तो रेड वाला रेड में जाएगा, ग्रीन वाला ब्लैक में जाएगा। तो ऐसे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कैमरा के लिए इस साइड में। तो ये देखिए मैंने BNC और पावर का केबल लगा दिया है, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। इसमें सेलो टेप लगाना बाकी है, वो लगाएंगे। तो कैमरा से जो केबल निकला है ये पीला वाला है BNC और रेड वाला है पावर। तो ये पावर वाला जाएगा पावर में और BNC वाला जाएगा BNC पे। तो देखिए हो गया है कनेक्ट एक साइड का। तो अभी जो वायर का दूसरा हिस्सा है ये वाला जाएगा इस SMPS पे। इसका जो ये रेड एंड ब्लैक है वो जाएगा यहाँ पे, और जो मोटा वाला है उसमें BNC फिर से मैंने लगाया है और वो BNC जा रहा है DVR में। और इसका जो पावर केबल है वो जाएगा अभी SMPS पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक से यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो स्क्रू है उसको ढीला करना पड़ेगा। और ये जो रेड है वो प्लस में जाएगा और ब्लैक वाला माइनस में जाएगा। मैंने दोनों वायर को लगा दिया है, तो अभी ये पूरा रेडी है। अभी SMPS में पावर देना है और DVR पे मॉनिटर लगाना है और इसमें भी पावर देना है। तो मैंने सभी को पावर दे दिया है और एक मॉनिटर भी लगाया है। तो ये पहली बार ऑन हो रहा है। ऑन होते ही CP+ का लोगो आया है और ये वाला मॉनिटर DVR से कनेक्टेड है। तो ये देखिए एक कैमरा का फुटेज आ गया है। अभी आपको ये DVR फर्स्ट टाइम यूज के लिए सेटअप करना होगा। आपको पासवर्ड सेट करना होगा, माउस से ही सब हो जाता है, कीबोर्ड नहीं चाहिए। पासवर्ड के साथ साथ आप पैटर्न लॉक भी दे सकते हैं। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर आपको भरना होगा। उसके बाद आप यहाँ सभी तरह के कैमरा सेटिंग्स और DVR सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और बस हो गया आपका CCTV कैमरा रेडी। फिलहाल एक ही कैमरा लगा हुआ है तो एक ही स्क्रीन आ रहा है, बाकी के 3 कैमरास को लगाना है। तो इन कैमरास का इंस्टॉलेशन भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हर कैमरा के लिए आपको चाहिए 2 BNC केबल और एक पावर केबल। तो इस कैमरा के लिए ये हो गया पावर केबल 2 BNC, इस कैमरा के लिए ये पावर केबल, ये BNC 2, उसके बाद इस कैमरा के लिए ये पावर केबल और ये 2 BNC, और ये सब स्क्रू लगाने के लिए कैमरा में। तो अगर आप CCTV कैमरा अलग से खरीदेंगे तो उसके साथ आपको ऐसा BNC केबल और पावर केबल नहीं मिलेगा, तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। एक कैमरा के लिए 2 BNC केबल और एक पावर केबल ऐसा वाला। तो इनको खरीदने का भी बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से खरीद सकते हैं। तो अभी बाकी के 3 कैमरा इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन मुझे 4 प्लास्टिक बॉक्स भी लगाना पड़ रहा है जहाँ पे कैमरा फिट होगा। तो मेरा पहला कैमरा हो गया है इंस्टॉल, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अभी दूसरा कैमरा फिट हो रहा है, आप देख लीजिए ऐसे ही किया जाता है कैमरा को इंस्टॉल। तो दूसरा कैमरा भी हो गया है इंस्टॉल, ये देखिए दो कैमरा एक साथ दो साइड के तरफ पॉइंट करते हुए। और ये रहा तीसरा कैमरा ऊपर में, और ये पहला और दूसरा वाला कैमराज, और ये रहा चौथा वाला कैमरा। तो मेरा घर हो गया पूरा सिक्योर। तो जो फुटेज है इन केबल्स के थ्रू अंदर आ रहा है और यहाँ आके DVR में कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस रिकॉर्ड भी हो रहा है और लाइव मॉनिटरिंग भी हो रहा है। तो अभी रात का समय है और इस कैमरा में नाइट विजन भी है, मतलब जितना भी अंधेरा हो ये कैमरा साफ साफ वीडियो रिकॉर्ड करता है। और मैंने ये जो कैमरा लगवाया है ये वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ आउटडोर कैमरा है। तो अभी बारिश हो रहा है लेकिन कैमरा को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये जो मेरा CCTV है इसका जो DVR है उसको मैंने ऑनलाइन कर दिया है। उसके लिए मैंने लगाया है टेंडा का वाईफाई अडाप्टर। आप देख सकते हैं ये देखने में पेन ड्राइव जैसा चीज होता है और इससे वाईफाई डिवाइस कनेक्ट होता है। तो मैंने इससे DVR को वाईफाई से कनेक्ट किया है और इसका जो लाइव प्रीव्यू है मैं दुनिया के कहीं से भी देख सकता हूँ। जैसे कि फिलहाल इसका जो प्रीव्यू है ये वाला प्रीव्यू है आप देख सकते हैं मोबाइल पे भी आ रहा है। ये मोबाइल पे एक ऐप है, ये वाला ऐप है ZCOM।
तो इसमें देखिए यहाँ पे लाइव प्रीव्यू है, मैं अभी मेरे घर को दुनिया के कहीं से भी देख सकता हूँ, तो आप भी ये कर लीजिएगा। तो अभी मैं चला असम से बेंगलोर और वहाँ जाके मैं 3000 किलोमीटर दूर से भी बेंगलोर से असम के मेरे इस घर की निगरानी करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं बेंगलोर। तो मैं बेंगलोर पहुँच चुका हूँ और ये देखिए मैं यहाँ बेंगलोर से भी मेरे असम के घर को देख सकता हूँ। भाई मानना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने सीसीटीवी कैमरा को अनबॉक्सिंग करके पूरा इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाया। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आप अपने घर पे, ऑफिस पे, नहीं तो दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का सोच रहे थे तो अभी ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इतने सस्ते में आपको सीसीटीवी कैमरा फिर नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है 6500 का, तो अभी परचेस कीजिए और उसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी कीजिएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का यूज़फुल प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ करता रहता हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.